नमस्कार भाई दोस्तों, कई दिन हो गए थे, मैं आराम से बात भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो करेंगे ना, जिस हम खालसा राज की बात करते थे, जिस हम संयुक्त पंजाब की बात करते थे, उसकी जड़ों तक पहुंच के आए हैं, जड़ों तक आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि है ना, जो ये जिनको दिक्कत होती है खालसा से और सिक्खी से दिक्कत होती है ना, अपने ताम झाम उठाओ और थाईलैंड जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी समस्याएँ बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी तुम्हारी समस्याएँ। सबसे पहले मुबारक हो सभी सिखों को, सभी खालसाओं को। ऑस्ट्रेलिया की 16 बटालियन प्लाटून खड़ी कर रही है, सिख प्लाटून, स्पेशल नाम दिया गया है सिख। सिख सिख वो होता है असली सिख, जिसे लोग कुछ सीखते हैं। सिखी का मतलब ही सीखना होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी सीखना चाहता है, ब्रिटेन जैसा देश भी सिख के नाम से आर्मी खड़ी कर रहा है, वो भी सीखना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे कितना दबा रखा है तुमने लोगों को, मतलब के लिमिट ही वो कर दी। हर जवान के दिल में, हर एक जवान के दिल में, ध्यान से सुन लेना आप, जितने भी सेना में जवान है, हर एक जवान के दिल में, चाहे वो किसी भी रेजिमेंट का है, उनके दिल में ना एक इच्छा है कि एक बार संयुक्त पंजाब एक हो जाए, एक हो जाए संयुक्त पंजाब। बोला हमने देख लिया, हर एक जगह पर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। और जो तुम ये लोगों को गलत फिल्में दिखा रहे हो ना, तुम्हारा एक दिक्कत, एक समस्या और रहती है। तुम नहीं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। कौन से हिंदू हो? थाईलैंडी हिंदू हो या भारत देश के हिंदू हो? हिंदू कौन से हो तुम? ये जो थाईलैंडी हिंदू हो ना, थाईलैंड वाले, इनको कुछ ज़्यादा ही समस्या हो रही है। एक बार पहले हुई थी जब लोगों का झुकाव सिक्खी की तरफ हुआ था, विशेष तौर पर जो हरियाणा का रोहतक ये एरिया है, इनका जब सिक्खी की तरफ झुकाव हुआ था ना, तो तुम पता नहीं किसको पकड़ कर ले आए थे, उसको इधर बैठा कर एक नए धर्म की स्थापना कर दी थी, उसमें घुसा दिया था ना। अब नहीं हो पाएगा ये सब तुम्हारे से, अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय पे तो लगा ले सिर्फ ये हरियाणा वाले ही बोलते थे, 2, 4, 5, 10 लोग मेहनत करते थे। अब तो सबके दिलों में, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, सबके मन में ये है कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें हमारा खालसा राज चाहिए। दिक्कत क्या है? कुछ हरियाणा के नकली सरदार, अब ध्यान से सुनना असली बात को आप लोग, कुछ हरियाणा के नकली सरदार, अगर ज़्यादा उछलोगे ना, तुम वीडियो देख के उछलते हो, ज़्यादा उछलोगे, तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी जो तुम बोल रहे थे मेरे को, बातें रिकॉर्ड करके रख ली पहले ही जो तुम कहना चाह रहे थे। तुम्हारी समस्या क्या है भाई अमृतपाल नाम से, ये बताओ पहले तो, क्या गलत कर रहे हैं अमृतपाल? क्या अपने आपको क्या बोल रहे हैं फ़ोन करके? मैं सिख हूँ, हरियाणा का सिख हूँ मैं। अच्छा भाई बता, बोले तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो खालिस्तान को? माँ कौन से स्थान को भाई, पहले तो बता। माँ खालसा का मतलब क्या होता? बोला मेरे को इससे मतलब नहीं है, बता खालसा का मतलब। बोला खालिस्तान। कौन सी पढ़ाई पढ़ी है रे तुमने? थाईलैंड वाली, थाईलैंड वाली पढ़ाई पढ़ी है ना, इस थाईलैंड की पढ़ाई को अपने पास रखो, अपने पास। ये तुम्हारी पढ़ाई अब फेल हो चुकी है। और जो ये हवा दिखा रहे हैं ना टेलीविजन में, हर एक जगह पे जो हवा दिखा रहे हो, इस हवा की, इस गुब्बारे की फूंक निकल चुकी है अब फूंक। असली जो सिख हैं, जो असली जो जानते हैं कि हाँ ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जो तुमने अलग करके जो प्रताड़ित किया है ना, बचा क्या है अब? ले दे के सिर्फ एक छोटा सा पंजाब बचा है, छोटा सा पंजाब बचा है हमारे पास, ले दे के उसको भी खत्म करना चाह रहे हो, उसमें भी तुम अपनी पैठ बनाना चाह रहे हो। अब नहीं बन पाएगी, तुमने वहाँ पे नशा भर दिया, तुमने वहाँ पे गुरुवाणी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हो, धीरे धीरे तुम पंजाबी भाषा को खत्म करते जा रहे हो। आप लोगों को आती होगी शर्म पंजाबी बोलने में, जिसको शर्म आती ना ये समझ जाना कि इसके अंदर दिक्कत आ, इसके अंदर थाईलैंड वाले कीटाणु आ चुके हैं। जिसको पंजाबी बोलने में शर्म आती है, जिसको हरियाणवी बोलने में शर्म आती है, थाईलैंड के कीटाणु बढ़ गए भाई तेरे में, ये कीटाणु काट ले ना खत्म हो जाएगा। जिसको भी अपनी भाषा से प्यार नहीं है ना, अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है, ये नकली का प्यार दिखाते हैं थाईलैंड वाले, नकली का प्यार। और ये तुम्हारे को नकली प्यार दिखा, तुम्हारी संस्कृति को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, खत्म। अभी जाकर पता लग गया, यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है और वहाँ पे किया कुछ जा रहा है, इतना प्रेशर दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर, इतना प्रेशर कि मतलब बिल्कुल दबाना चाह रहे हो, नहीं दबा पाओगे। एक चीज़ बता देता हूँ मैं सभी साथियों को, ध्यान से सुन लेना, हर एक चाहता है, चाहे वो हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, हिमाचल का है, जेएंडके का, हर एक बंदा चाहता है कि हमारा संयुक्त पंजाब एक हो, हर एक बंदा खालसा राज की स्थापना चाहता है। समस्या है ना सिर्फ ये जो मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है, वहाँ पे समस्या बची हुई है बस, नहीं तो सबके दिलों के अंदर खालसा है, सबके दिलों के अंदर। और अपनी मेहनत से ये नाम बनाया है खालसा ने, अपनी मेहनत से, कि ब्रिटेन भी आर्मी खड़ी करना चाहता है सिखों की, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ी करना चाहता है, इंग्लैंड तक सलामी देता है,
और इससे ज्यादा पावर आप क्या देखोगे खालसा की। यह है सच्चा खालसा, ये हो वाहेगुरु की फौज, वो अकाल पुरख की फौज जिसको आज तक आपने सिर्फ सुना होगा, सिर्फ सुना है। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था ना, याद आया, 96 करोड़ सिंह सजेंगे, वो समय आ गया, सजेंगे 96 करोड़ सिंह सजेंगे। आप इस चीज का अंदाजा लगा लेना। और अगर ज्यादा तुमने बीच में और कुछ लेने की कोशिश की ना, कोई दूसरी चीज लेने की कोशिश की, 2 ही मिनट लगती अमृत छकने में और पगड़ी पहनने में, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये देख लेना आप। फिर एक साथ कितने जाएंगे वो भी आप देखते रह जाओगे, फिर देखते ही रह जाओगे। तो पहले ही इसको कुछ भी समझो, दूर रहो। आज तक किसी भी खालसा ने किसी धर्म का मजाक नहीं बनाया है, किसी को किसी धर्म में जाने से वो नहीं किया है। सिर्फ कमी ही एक रह गई थी कि वो अपने धर्म का वो प्रचार नहीं कर पाए, जो प्रचार तुम टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से तुम करते हो ना, वो प्रचार नहीं कर पाए, कमी रही है ये। लेकिन अब वो कमी नहीं रहेगी, एक बार देखो तो सही, आप सिक्खी के अंदर है क्या, सिक्खी के अंदर मानवता है, पूरी मानवता आपको सिक्खी के अंदर मिलेगी, फिर समस्या कहाँ पे बची हुई है। समस्या सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में बची हुई है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और इतना पीछे लगने की मत सोचो, कहीं ये सोच रहे हो कि अमृतपाल सिंह खालसा अकेला, नहीं अकेला, पूरा पंजाब उसके साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा का यूथ उसके साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा का यूथ। वो नकली लोग जो प्रचार प्रसार उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह खालसा अकेला नहीं है, हम भी सोचते थे कि हम बस अकेले ही हैं जो लगे हुए हैं संयुक्त पंजाब में या खालसा राज की मुहिम में लगे हुए हैं। अब पता लगा हमारे को तो पूरी दुनिया, पूरे विदेश तक हमारे साथ में है। नानाराय भाई कितने साथ में है, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश साथ में है, अमेरिका, पूरा यूरोप साथ में है। तो तुम रोक दोगे इस चीज को? नहीं रोक पाओगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। और एक चीज और जो सभी साथियों को बताना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकॉन को जरूर दबाया करो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। 3-4 दिन तक गए, घूम के आए, हर एक जगह पे पूरा पता करके आए, किसी को कोई ज्यादा समस्या हो जाए तो बता देना, अपने पास हर चीज का प्रूफ रहता है, ये भी बता दिया आपको, हर चीज का प्रूफ रखते हैं, ऐसे नहीं बोलते कोई बात। और ये समझ लेना वो समय बिल्कुल नजदीक है जब 96 करोड़ सिंह सजेंगे, फिर अपना देख लेना, जो ये ज्यादा उछलते हैं ना वो अपना देख लेना बस, क्योंकि 96 करोड़ सिंह सजने वाले हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है ये समय, कोई ज्यादा दूर नहीं है, इतना याद रखना बस। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, आपको हर एक चीज की सच्चाई बताएंगे। तो ज्यादा जंप लेने वाले हैं बता देना, उनको ये भी दिखा देंगे, ठीक है, ज्यादा जंप लेने वालों को। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप किया करो भाई, किसी भाई को अगर कोई बात पूछने ना व्हाट्सअप कर दिया करो, फोन नहीं उठा पाते, कई बार ऐसी जगह पे होते हैं हम फोन नहीं उठा पाते, फिर आप लोग बुरा मानते हो। उससे बढ़िया है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, 9518883630 95188630, ये है अपना व्हाट्सएप नंबर। कोई साथी अगर वीडियो को उठाकर डालता है ना, बहुत साथी पूछते हैं भाई लिंक कहाँ पे है, भाई टिकटॉक पर भी वीडियो को डालते हैं ना, टिकटॉक वाले जो बनाते हैं, साथ में आप चाहते चैनल का लिंक डाल दिया रहो, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल दे रहो, ये व्हाट्सएप नंबर है अगर किसी भाई को बात करनी है। हाँ, कॉल आपको चाहे वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, और सही सुविधा रहती है कि आप वीडियो कॉल करो, ताकि एक दूसरे का पता लग जाए किससे बात कर रहे हैं हम, वीडियो कॉल सबसे अच्छी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना आपकी जवाबदारी है, अभी तो बहुत कुछ लेके आए हैं, धीरे धीरे आपको पूरा दिखाएंगे। सभी साथियों को जय हिंद।